सो हेलो एवरीबॉडी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों एक बार फिर से हम बता दें, हमारा जो चैनल है सिर्फ ऑन पैसिव ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको यहां पे सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है फेसबुक को लेकर के कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज क्यों किया और क्या ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेकर के आ रहा है या उसे क्यों लाना पड़ रहा है। ये बहुत सारे सबके मन में सवाल है कि आखिर जो है मार्क जुकरबर्ग को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने जो इसका नाम चेंज कर दिया, या कुछ कंपटीशन तो नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम इससे वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठता है वहां पर ये कि जो है सबसे पहले तो जो हमारा फेसबुक है, फेसबुक कंटिन्यू इतने सालों से चल रहा था और अचानक से उसको नाम चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई। और दूसरी बात यह कि ये इसकी ऑफिशियली घोषणा जो है 11 मिनट का एक वीडियो शेयर किया मार्क जुकरबर्ग ने, और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम जो है जिस ना सिर्फ फेसबुक बल्कि फेसबुक का नाम ही नहीं बल्कि उसका लोगो भी चेंज कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा मेरे, तो ये भी टोटली चेंज कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है लगातार फेसबुक पे उंगलियां उठ रही थी कि ये ऐसा है वैसा है और ये डाटा को बेचते हैं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही था, डाटा को बेचने के आरोप थे कहीं थे, और यहां तक कि जो इनलीगल कंटेंट्स हैं, जो कि कंटेंट्स दिखाना नहीं चाहिए या जिसको शेयर नहीं करना चाहिए, वो भी फेसबुक जो है शेयर कर रहा था, खासकर पॉलिटिकल चीज़ें लेकर के बहुत ज़्यादा, जबकि कायदे से उसे हाइड कर देना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था, और बल्कि जो नेगेटिव कमेंट्स है वो ज़्यादा हाईलाइट पे जा रहे थे। तो ये कुल मिला के बहुत नेगेटिविटी फैला रहा था और ये वजह से कुछ हुआ। तो इन्होंने मेटा जो वर्जन एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है मेटा, मेटालिंग, तो इसका इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है मेटावर्जन की कि यहां पर अभी आप देख रहे थे जैसे कि फेसबुक है, अभी आप नॉर्मली जो है चैटिंग वगैरह सब कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी आएगी, ये टोटली हाईटेक टेक्नोलॉजी और बहुत ही जबरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आएगा मेटा। तो उसमें यह होगा कि इसमें आप सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा उसमें हम रूम बना करके बातें कर सकते थे, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी आएगी वो जो मेटा में जो टेक्नोलॉजी वो लेकर के आएगा फेसबुक अपना नाम चेंज करके, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये जो आप वर्चुअली सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर कुल को रियल लगेगा, वर्चुअल गेम आप खेल सकते हैं, वर्चुअलिटी के साथ में आएगा। अभी तक आपने जब सारी चीज़ें जो है अभी तक देखी होंगी वो फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन अब ये रियल में वो लेकर के आ रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना वो शुरू कर दिया है। और मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पे एक चीज़ बहुत बात बताई कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होगी कि हम प्राइवेसी को बिल्कुल यहाँ पे बनाए रखेंगे। तो मैं उनसे पूछूंगा, भाई साहब आप चीज़ बताइए मार्क जुकरबर्ग साहब, कि आप इतनी दिन से प्राइवेसी बना के रखे थे तो फिर इतने दिन से लोगों का डाटा क्यों शेयर कर रहे थे? दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन का दौर है और कुल मिला के ये बहुत ही एक आने वाले समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, खासकर ऑन पैसिव जो हमारी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, इसी वजह से हमारा ऑन पैसिव ज्यादा सेफ होने वाला है। आज ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो खलबली मच रही है उसका भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी कंपनियां जो है कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप टॉप पे पहुंच गए हो तो आप जो है बहुत बड़े स्टार हो गए, और बिल्कुल नहीं, यहां फेसबुक हो, गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, इन सबको फ्यूचर में बहुत सारा कंपटीशन मिलने वाला है। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, मैं सिर्फ ऑन पैसिव की बात नहीं करूंगा, और भी फ्यूचर में कंपनियां आ सकती हैं। तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी का जब जैसे जैसे दौर आएगा, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हाई हो जाएगी, तो ये सारी चीजें समय के साथ चीज सबको अपडेट करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि फेसबुक भी बंद हो गया था कुछ समय के लिए, बहुत करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। तो मतलब ये भी जो है इसका ही एक पार्ट है कि कहीं ना कहीं ये डाटा का जो इस्तेमाल करते हैं अब इनके धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आप कुल मिला के जो है टेक्नोलॉजी सबको लेकर के आना पड़ेगी और सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल जो अभी मेटा टेक्नोलॉजी जो आएगी, मेटा जो ये नाम रखेंगे उसमें, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह तो वर्चुअली सारी चीज़ें हो जाएंगी, और इसमें स्पेशली ध्यान रखा जाएगा जो है कुल मिला के जो नए लोग होंगे, कई लोगों के मन में होगा कि यार क्या इसको यूज़ कर पाएंगे फेसबुक का पहले जैसा। तो मार्क जुकरबर्ग ने यह बात भी क्लियर करी है कि डेफिनेटली जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली सब कुछ रहेगा लेकिन कुछ चीज़ें उसमें चेंज होगी। तो इस समय के साथ साथ चेंज जो करना पड़ रहा है, ये कंपटीशन का ही दौर है मेरे भाई। हालांकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार देखो कितना माइंड लगाया है मार्क जुकरबर्ग ने, यार डेफिनेटली लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डर भी पैदा करता है उन बड़ी बड़ी कंपनियों का जो एक ऑन पैसिव एक माहौल लेकर के आ रहा है। ऑन पैसिव जैसी और कोई कंपनी आ रही होंगी डेफिनेटली, लेकिन ऑन पैसिव जैसी कंपनी शायद आना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी वो काम कर रहा है
और वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनियों में खलबली ही पैदा कर रहा है, और इसी वजह से कई अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती थी, लेकिन अब फेसबुक जैसी जो कंपनी है उसको भी अपना नाम चेंज करने के बाद में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में लेकर के आना पड़ रहा है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है दोस्त, कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी बड़े लेवल पे हो। तो जो 11 मिनट का जो उन्होंने वीडियो शेयर किया उसमें मार्क जुकरबर्ग ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी लेकर के आएगा। तो अब कुल मिला के अभी इन्हें समझ में आने लगा है कि इस कॉम्पिटिशन के दौर में हम सबको ये चेंज करना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।